छठा अध्याय। देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूत गणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुद गणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आया। साथ ही सभी आदित्य गण, आठों वसु, अश्विनी कुमार, ऋभु, आग्निका वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद्र, विश्वेदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्य ऋषि, पीतर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कृति का विस्तार किया है जो समस्त लोगों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दिव्य से दैप्तिमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान के रूप माधुरी का निर्विमेश नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एक तक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदनवन, चैत्ररथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक लिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, करने की विकेट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमलों को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो, आश्चर्य है, अजित, आप माइक, रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंतन्त नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निवारण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मन, जिन मनुष्यों की चित्तवृत्ति राग द्वेषादि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी श्रावण के द्वारा संपुष्ट शुद्धांतःकरण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कृति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं, पांच रात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, सशंकरण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्भुज के रूप में जिनका पूजन करते हैं और जितेंद्र धीर पुरुष स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके भगवान धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयत हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपणी माया के जिज्ञासु योगी जन हृदय के अंतर्देश में दहर विद्या आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु, आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं,
विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हों। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। प्रभु, यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से भी की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल्य प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों। अनंत वामनावतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया और वह सत्यलोक में पहुंच गया, तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की तीन धाराएं ऐसी जान पड़ती थी मानो उसमें लगी हुई तीन पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान, आपका वही पाद पद्म हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं वे सतत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविधि भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके वश में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति पुरुष और महत्व तत्व के भी नियंत्रण करने वाले शीत ग्रीष्म और वर्षा काल रूप तीन नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्व तत्व रूप गर्भ का स्थापना करता है। इसके बाद वह महत्व तत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण